पॉज, ये शुरू हो गया है ना, ये शुरू हो गया ना, अब मैं दोबारा शुरू करता हूँ। आज हम सब्जेक्ट कोड एमई 204 204 के अंदर वेलोसिटी डायग्राम और पेन लिंक ये बताएंगे हम आपको। तो कोई भी लिंक, कोई भी मशीन कंपोनेंट, इसमें एक लिंक होती है, उस लिंक की वेलोसिटी इस तरह से ज्ञात करें। दो मेथड्स हैं जिनसे मेजर द वेलोसिटी ऑफ लिंक, वन इज द रिलेटिव वेलोसिटी मेथड एंड अनदर इज द इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। तो वेलोसिटी ऑफ लिंक के लिए हमें रिलेटिव वेलोसिटी मेथड यूज में, तो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड मान लीजिए कोई लिंक ए बी है, लिंक ए बी जो कि मेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब इसकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी कैसे निकले, तो सबसे पहले ये मेथड है कि वेलोसिटी ए बी का वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो इसके लिए हम जो सबसे पहले नोटेशन कैसे करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, बी बी ए, बी बी ए जिसकी वैल्यू जो आपकी ओमेगा इनटू ए, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी और ए बी इज द लेंथ ऑफ द लिंक। नाउ अगर वेक्टोरियल इसको हम मेजर करें तो वेक्टर ए बी मीन्स की वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ये आप इस तरह से आप किसी भी लिंक की वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। डायरेक्शन जो वेलोसिटी, डायरेक्शन जो लिंक की होगी वो आपकी अलॉन्ग द ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होगी, और जो पोजिशन जो होगी होगी वो ऑलवेज परपेंडिकुलर पोजिशन ऑफ लिंक ए बी। लिंक ए बी की जो भी पोजिशन है उसके परपेंडिकुलर होगी और डायरेक्शन टुवर्ड द एंगुलर वेलोसिटी होगी। दिस इज द वे वी कैन मेजर द वेलोसिटी ऑफ एनी लिंक। नाउ रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से यदि किसी लिंक मैकेनिज्म के हम वेलोसिटीज निकालना चाहें तो सबसे फर्स्ट में आता है कि फोर बार लिंक मैकेनिज्म। यू नो कि लिंक मैकेनिज्म में जिसमें एक लिंक फिक्स होती है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, ए बी सी डी इज द फोर बार लिंक जिनमें से ए बी जो लिंक है फिक्स की हुई है। हमें अब लिंक ए बी, लिंक बी सी, लिंक सी डी की वेलोसिटी निकालनी है विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। तो लिंक ए डी जो फिक्स्ड है उसकी तो वेलोसिटी जीरो है। ऑब्वियसली मान लो कि ए बी जो लिंक है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो जैसे प्रिपरेशन बताया कि लिंक ए बी की जो वेलोसिटी होगी यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए दिस ओमेगा इनटू ए, यू कैन मेजर, और जो ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी होगी किसी भी एक लिंक की वेलोसिटी हमें दी हुई होगी। तो वेलोसिटी ऑफ ए बी लिंक की हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सपोज कि ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड या मिलीमीटर पर सेकंड हो सकती है, तो मैंने यहाँ सेंटीमीटर पर सेकंड इसको लिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई भी एक स्केल एज्यूम करना पड़ेगा कि सेंटीमीटर और पर सेकंड के लिए एक एमएम में कितने सेंटीमीटर पर सेकंड, या वाइस वर्सा एक सेंटीमीटर पर सेकंड के लिए कितने एमएम का स्केल हमें यूज नहीं है। फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अनदर लिंक्स, लिंक बी सी, लिंक सी डी की वेलोसिटी अगर हमें ज्ञात करनी है तो हमें वेलोसिटी डायग्राम इसका बनाना है। तो वेलोसिटी डायग्राम के लिए वेक्टोरियली हम पॉइंट ए, पॉइंट डी, यानी ए और डी जो फिक्स पॉइंट है, जो फिक्स लिंक पे है इनिशियली, इसको मार्क करना है। तो ए और डी हमने मार्क कर लिए, कोई पॉइंट मार्क कर। नाउ जो हमें ए बी वेलोसिटी की वेलोसिटी गिवन है, जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और जो हम वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए निकाल चुके हैं उसका स्केल लेके हम विद द परपेंडिकुलर टू द पोजीशन ऑफ लिंक ए बी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ए। तो यानी वेक्टर ए बी परपेंडिकुलर टू द पोजीशन ऑफ लिंक ए बी हम ये ड्रॉ करते हैं। इसका जितना हम यहाँ स्केल लिया है उतने एमएम की हम यहाँ पर लाइन का। नेक्स्ट अब मानना है कि बी सी, लिंक बी सी की वेलोसिटी निकालनी है, लिंक सी डी की वेलोसिटी निकालनी है। तो लिंक बी सी की जो वेलोसिटी होगी यानी लीनियर वेलोसिटी होगी
ऑलवेज पोजिशन, जो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पोजिशन ऑफ लिंक डीसी होगी। ऐसे ही सीडी लिंक की वेलोसिटी होगी वो परपेंडिकुलर टू द पोजिशन ऑफ लिंक सीडी होगी। हमें ये चीज अननोन है तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास बी पॉइंट फिक्स, ये हमें पोजिशन मालूम है, हम क्या करते हैं इनिशियली हम डी से डीसी लिंक यानी सीडी लिंक के लिए परपेंडिकुलर टू द लाइन सीडी हम एक ड्रा करते हैं फ्रॉम बी टू वेक्टर डीसी, हमने परपेंडिकुलर टू द पोजिशन ऑफ डीसी यहां ड्रा किया, इसको हम छोड़ देते हैं। नाउ अब पॉइंट बी हमें नॉन हो गया है लिंक एबी के लिए क्योंकि हमने एबी का स्केल लिया था, तो ए वेक्टर ए बी बी पॉइंट हमें नॉन है। नाउ फ्रॉम पॉइंट बी बीसी लिंक के लिए परपेंडिकुलर टू द बीसी हम बीसी वेक्टर ड्रा करते हैं फ्रॉम बी से सी, तो बीसी वेक्टर यानी वेक्टर बी से हमने को लाइन ड्रा करी है परपेंडिकुलर टू द पोजीशन ऑफ बीसी, तो बीसी उधर से डीसी हमने लाइन ड्रा करी थी जहां सी पॉइंट होगा वहां ये दोनों लाइनें कटेंगी, यानी अल्टीमेटली ये कहना चाहता हूं कि जो हमने जो लाइन ड्रा करी है फ्रॉम पॉइंट डी एंड फ्रॉम पॉइंट बी जहां ये दोनों मिलते हैं वो पॉइंट सी होते हैं, और हमने क्या किया फिर बी से सी हम मेजर कर लेते हैं, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी को हो गया बी सी बी होगी, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रॉम द स्केल सी बी। इसी तरह से लिंक वेलोसिटी ऑफ लिंक सी बी के लिए डी सी को हम मेजर करेंगे, जो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी होगा और बी सी बी को हम मेजर करते हुए सेंटीमीटर पर सेकेंड में इसको मेजर कर लेते हैं। ये वेलोसिटी डायग्राम ऑफ एनी फुटबॉलिंग मैकेनिज्म। थैंक यू।